गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली जीके अपडेट्स इंग्लिश एंड हिंदी 6 सितंबर 2018 वार गुरुवार को मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए जीके अपडेट्स। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने यूवी कंपटीशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी यूवी कंपटीशन चैनल को फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय समाचार नेशनल न्यूज 6 सितंबर 2018 मॉर्निंग न्यूज की। एक कॉन्फ्रेंस ऑन ई मोबिलिटी इन इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IRE इन एसोसिएशन विद नीति आयोग कंक्लूड इन न्यू दिल्ली। द वनडे कॉन्फ्रेंस वाज इनोग्रेट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज श्री मनोज सिन्हा। रेल मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग और रेलवे विद्युत अभियंता IRE के माध्यम से आयोजित भारतीय रेलवे में ई मोबिलिटी पर एक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रेलवे राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने किया। सरकार ने झारखंड के अंटारी शहर का नाम बदलकर बंसीधर नगर के जाने की अनुमति दी है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME अप्रूव्ड ए प्रपोजल बाय द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन कमीशन KYVIC टू इंक्रीज द वेजेज ऑफ आर्टिसियन बाय ओवर 36%। केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 36% से अधिक कारीगरों की मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें से 30% 40% मजदूरी प्रोत्साहन के रूप में कारीगरों के पास जाती है और से 60% खादी संस्थानों में जाती है। मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु लॉन्चेज कॉफी कनेक्ट इंडिया कॉफी फील्ड फोर्स ऐप एंड कॉफी कृषि थरंग डिजिटल मोबाइल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर कॉफी स्टेक होल्डर्स एट ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में एक समारोह में कॉफी कनेक्ट इंडिया कॉफी फील्ड फोर्स ऐप और कॉफी कृषि थरगा कॉफी हितधारकों के लिए डिजिटल मोबाइल एक्सटेंशन सेवाएं लॉन्च की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ऑन सितंबर 4, 2018 रिकमेंडेड द नेम ऑफ जस्टिस रंजन गोगोई द मोस्ट सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हिम एज हिज सक्सेसर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश की है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. वेंकैया नायडू गेव अवे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2082 45 टीचर्स ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे ऑन September 5, 2018। 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक समारोह में 45 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन September 5 विद एन एम टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ चैरिटी इन एलिवेटिंग ह्यूमन सफरिंग विद इन एंड अमोंग नेशंस एज वेल एज टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल सच एज मदर टेरेसा। 5 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस देशों में मानव पीड़ा को कम करने में दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ
धर्मार्थ संगठनों और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्वों के प्रयासों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। द इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नर्स समिट 2018 इज बीइंग हेल्ड इन काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल नंद बहादुर पुन इनोग्रेट द समिट। द थीम ऑफ द 3-day इवेंट इज इक्वालिटी बिगेन विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। नेपाल के उपराष्ट्रपति नंदा बहादुर पुन ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन का विषय इक्वेलिटी बिगिन विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज KAZIND विल बी कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड कजाकिस्तान आर्मी फ्रॉम 10-23 September 2018 इन ऑटर रीजन कजाकिस्तान। दिस इज द 3rd ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज विच हैव ए हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंसिव कॉपरेशन इन द डिफेंस एरिना। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद कजाकिस्तान के औतर क्षेत्र में 10 से 23 सितंबर 2018 तक भारतीय और कजाकिस्तान सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। यह दोनों देशों के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग का इतिहास रहा है। अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ कैंडिडेट आरिफ उर्फ रहमान आलवी वाज इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द रिजल्ट डाटा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP कंफर्म्ड। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI उम्मीदवार आरिफ उर रहमान अलवी को पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ECP के नतीजों की इसकी पुष्टि हुई। चुनाव संसद भवन और 4 प्रांतीय असेंबली में एक साथ आयोजित किए गए थे। आइए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की। HDFC ERGO India's 3rd largest non-life insurance provider in the private sector announced the launch of E@Secure, a cyber insurance policy for individuals. भारत में निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC ERGO ने व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा पॉलिसी E@Secure लॉन्च करने की घोषणा की है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD हैज सैंक्शन्ड एन अमाउंट ऑफ 335 करोड़ अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF टू वेस्ट बंगाल। द फंड अलोटेड इन अगस्त वुड बी यूज्ड फॉर 158 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड 23 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के तहत पश्चिम बंगाल में 335 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है। अगस्त में आवंटित फंड का उपयोग 158 लघु सिंचाई परियोजनाएं और 23 बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। इंडियन पेसर RP सिंह अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एग्जैक्टली 13 ईयर आफ्टर मेकिंग हिज इंटरनेशनल डिबैट। भारतीय तेज गेंदबाज RP सिंह ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच के ठीक 13 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इंडिया विल होस्ट द FIBA 3x3 वर्ल्ड टूर मास्टर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बास्केटबॉल टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इन हैदराबाद फ्रॉम September 22, 2018। भारत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बास्केटबॉल टूर्नामेंट में से एक FIBA 3x3 विश्व टूर मास्टर्स की मेजबानी करेगा। यह इवेंट 22 सितंबर से शुरू होगा। इंडियन शूटर ओम प्रकाश मिठरवाल पिक्ड अप हिज गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप क्लेमिंग द टॉप ऑनर्स इन द 50-meter पिस्टल इवेंट इन चांगगांव ऑन September 4, 2018।
भारतीय निशानेबाज ओम प्रकाश मिथारवाल ने दक्षिणी कोरिया के चांगवान में चल रही ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में 4 सितंबर को स्वर्ण पदक हासिल किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी मॉर्निंग न्यूज ऑफ 6 सितंबर। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन यूवी कंपटीशन चैनल, और फॉलो करें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और साथ ही साथ इसी जो है आपका वीडियो है इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ ही साथ मैन अकेडमी पर फॉलो कीजिए, और कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहिए जिससे आपको हमारे डेली अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।